नहीं चल पा रही। वो तो लग रहा है जैसे वो नीचे से बांध रखा है। चल तो रही थी वहां मुर्गे की तरह। Hey everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel. आप देख रहे हैं Views Reviews और मैं हूं आपके साथ शुएब हाशिम from Pakistan. Hope so कि आप सब perfect हैं और enjoy कर रहे हैं मेरी videos को. So guys, ढेर सारा प्यार दीजिए because आपके प्यार की जरूरत है और मेरे चैनल को millions तक पहुंचाइए. I know it's tough, but आप लोगों के साथ हो तो कुछ भी possible है guys. Yes, everything is possible अगर आप लोगों का साथ हो तो जब साथ आप देंगे तब मजा आएगा. सो चलिए समावना सेठ एंटरटेनमेंट का जो लाइक दूसरा है कश्मीर व्लॉग्स का, कश्मीर का एपिसोड 2 देखते हैं और एंजॉय करते हैं. देखते हैं क्या क्या कुछ वहां पर इन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या क्या कुछ लाइक एंजॉय कर रहे हैं. लेट्स गो एंड वॉच. मम्मी बहुत क्यूट है सच में. मम्मी पापा दोनों बहुत क्यूट है. इन वाटरफॉल के तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे. पानी भी जो नॉर्मल पी रहे हैं ना वो ऐसा लग रहा है कि बर्फ का पानी है.
बढ़िया बहुत बढ़िया पापा। थोड़ी मेरे को चीनी लग रही है लेकिन मेरे ख्याल से और कम हो जाएगी चीनी, इससे कम नहीं हुई, लेकिन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। ये तो सबके लिए आप करवा दो, तीन और करवा दो। हाँ ये विदाउट शुगर है क्या? तो ये भी बहुत मीठा है लेकिन ऐसे ही चाहिए बिल्कुल। हाँ जी पापा इतना बढ़िया है ना, ये तो खाने के बाद बहुत जरूरी है। वाह जी वाह भाई देसी कावा मान गए। इसके अंदर क्या क्या है? बादाम वगैरह भी है क्या? पूछते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर, वर्थ है वही पीना। इसके अंदर क्या क्या होता है जी? इसमें इलायची, दालचीनी, अदरक, केसर। अच्छा पानी भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। ये नींबू तो नहीं है ना? लेकिन नींबू नहीं, नींबू अगर डालेंगे उसका टेस्ट अलग बनेगा। नहीं 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 नींबू भी डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया थैंक यू जी। खाना खा के हमारे रास्ते में यहाँ कोट और बूट की सिलाई से दुकान है, यहाँ पर मिलते हैं रेंट पे। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, मैंने अपने पैसे बचाए, मैंने बूट्स नहीं खरीदे वहाँ पे। डॉक्टर को तो यही नहीं बताया ना, अपने क्या कर जा रहे हैं, क्या कर जा रहे हैं।
अगर तुम जबरदस्ती आज कर देते तो मेरा मुंह फूट के जाता यार। मेरा वाला जैकेट पहन के निकला, ये तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी फूट रही है। घर में रात को पहन के थोड़ा बैठी ना, तुरंत निकाल दिए, ऐसे अपना आर्ट हो गई। कितना बार मुझे चढ़ना उठना पड़ेगा। अच्छा, वो वाली बैंक पे तो नहीं बैठना पड़ेगा, उसमें नहीं बैठना। जी ये पहुंच गए हम लोग होटल, तो विनाश अभी चेक इन करा रहा है। तब तक सबसे अच्छी चीज जो मुझे होटल में दिख गई है वो सामने है, और बाहर का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ ऐसा इस समय। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, ओह हो हो, ये पूरा सिटिंग एरिया इनका, ये बाहर का व्यू सारा। और ना एक्चुअली पीछे सारे पहाड़ है जो आपको दिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फ हमें ऑलरेडी बाहर दिख रही है। तो जी हम लोग अब सीधा यहीं से निकल रहे हैं, हम लोग अपने रूम में भी नहीं जा रहे हैं। बूटा पत्री, और आपको बता दूं ये मुझे बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने रूम देखा नहीं है, बट इट विल बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन हमें अभी जाना है गोटा पट्टी। गोटा पट्टी नहीं, बूटा पत्री। मम्मी आप क्यों नहीं आई? अरे देख रही थी यहीं से मैं। अरे हिम्मत नहीं है, क्या देख लिया। देखो जी ये क्या नजारा है, बताओ ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। बाप रे पापा, पापा मम्मी ना फिर जूते देख के हैरान हो रही है। ये वाले जूते देख, पूछ लो ना चल पा रही है कि नहीं, उनसे पूछ लो ना। ये सोच लो कि अभी 3:20 हो रहे हैं और यहाँ पे ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम लोगों में, मेरे को तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ गल रही है मेरी, इतना ज्यादा। जी यहाँ पे छोटी सी दरगाह है, खूबसूरत बहुत। देखो कितनी प्यारी दरगाह है। पहले तो मुझे लगा ये बजरंगी भाईजान में जो अदनान समी का गाना वाली लोकेशन। नहीं नहीं ये तो बहुत छोटी जगह है। अभी हम जा रहे हैं बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का घर था वो देखने, और ब्रिज देखने जो जब तक है जान में था। और भी कुछ है सेम है उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है ना, जो पाकिस्तान साइड जो एरियाज है वो भी सेम ही है, कलरफुल, हर चीज कलरफुल होनी है। उनकी जो शटर हैं शॉप्स के और घरों के जो वॉल्स हैं कलरफुल। रात को ये जो पानी बह रहा है ये जम जाता है, -100 टेम्परेचर चलाता है। तो ये तीनों ने हमें बहुत फोर्स किया।
किया कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो LOC भाई साहब कहाँ किधर जा रहे LOC दरगाह शरीफ और गुर्जर नगर जा रहा है भारत का आखिरी गांव और LOC भी यहाँ से दिख जाएगा। तो जहाँ जहाँ ये बोल रहे हैं 20-25 मिनट का मामला है तो हम लोग सोच रहे हैं कि चारों एक बार स्लेज राइड करके आइए और पहले भी हमने कभी ट्राई भी नहीं किया है स्लेज तो एक बार देखते हैं। कंफर्टेबल होता है ना? निकल गए स्लेज राइड के लिए। ये नदी पार कर रहे हैं लोग फोटो खिंचाने के लिए क्या क्या करते हैं। हाँ देखो कितनी तकलीफ झेलते हैं। बहुत जमीन पे बैठ गई वो लड़की भाई अपने बस की सुना है। मुझे ना अच्छा लगता है। मैगी खा दूं आते मैगी खा लेते स्लेज राइड में बैठ राइड बैठ के बता दो भैया बैठना कैसे। It's dangerous, guys. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर जाते हैं वहां से नीचे करते हैं स्लेज राइड जो है वो लेकर देते हैं वहां से। टू बी कंटिन्यूड। फुल ठंड में चाय का तो अलग ही मजा आता है गाइस। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत मजा आया देखकर एंड सच में ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने ही मुल्क में हैं। ऐसा ही लग रहा था जो पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह के व्यूज हैं एंड मजा आ रहा है गाइस बिकॉज मैंने आज तक कश्मीर नहीं देखा बट मैं रिलेट कर सकता हूँ बिकॉज मैंने उससे रिलेटेड और पॉइंट्स जो है वो देखे हुए हैं। बट कहते हैं फिर भी कश्मीर एक अलग है। कश्मीर बहुत ही यूनिक है। जितने भी नॉर्दर्न एरियाज हैं हमारी साइड पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे बेटर कहते हैं कश्मीर है। तो कश्मीर जाने का कभी चांस बनेगा इंशाल्लाह तो फिर आपको भी जरूर दिखाऊंगा मैं। बट अभी फिलहाल तो मैं देखते हैं मैम के साथ कि पूरा कश्मीर कैसा है। सो कीप ऑन वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट्स में आकर बता सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। मुझे आप कहाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरा व्लॉगिंग चैनल क्रैकी शेप भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।